नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, मानसून की हालिया बारिशों के बायस मुल्क भर में, जिसमें खसूसी तौर पर सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध और जनूबी पंजाब, चारसदा सवात और दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है, जिसमें खसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के तौंसा शरीफ, लैया, डेरा इस्माइल ख़ान, कोए सुलेमान और दीगर इलाके शामिल हैं, जबकि मियांवाली, चारसदा, कोहाट और ये इलाके भी शामिल हैं। जबकि बलूचिस्तान, सूबा सिंध में जो तबाही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। 2022 में आने वाला ये सैलाब बड़े पैमाने पर तबाहकारियां करता हुआ जा रहा है और इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अब तक 1000 से ज़ायद कीमती इंसानी ज़िंदगियां लुकमा अजल बन चुकी हैं, जबकि हज़ारों मवेशी सैलाबी रेले में बह गए हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो फसलें हैं, ये हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इस सिलसिला में पाक फ़ौज, अलखिदमत फाउंडेशन और दीगर जो इदारे हैं उनकी जानब से उनके रज़ाकार जो हैं वो हर तरह की इमदादी सरगर्मियां कर रहे हैं और सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन मदद भी की जा रही है। रेस्क्यू 112, पाक फ़ौज, अलखिदमत फाउंडेशन और दीगर एनजीओज की जानब से जहां पर सैलाब की तबाहकारियां हुई हैं वहां पर हर तरह की मदद भेजी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि कीमती इंसानी जानों को महफूज बनाया जाए, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि बड़े पैमाने पर ये सैलाब ने तबाहियां मचाई हैं जो कि नाकाबिले फरामोश नुकसान है। सामान चाहिए, सामान।